नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं 10B7 न्यूज चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहद जरूरी और खास है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि। 9 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आज 12 फरवरी है, दिन शुक्रवार है और आज से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए, इसके बारे में हम आज आपसे विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि एक साल में 4 नवरात्रि है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि जो ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनके अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है, माघ और आषाढ़ में। गुप्त नवरात्रि ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इसके बारे में कम लोग जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की नवरात्रि आज 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार से शुरू हो जाती है, जो 21 फरवरी दिन रविवार को समाप्त होगी, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की है, क्योंकि षष्ठी तिथि 2 दिन है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ उनकी 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि पर बन रहे कई शुभ योग। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को जितना अधिक गुप्त तरीके से किया जाता है, पूजा का फल उतना ही अधिक प्राप्त होता है। इस साल माघ महीने की गुप्त नवरात्रि में कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुरस्कर, अमृत सिद्धि और राजयोग हैं। इन शुभ योगों के कारण गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई भी शुभ और मंगल कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा कलश स्थापना के दिन यानी कि 12 फरवरी को शनि, गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध का पंचग्रही योग मकर राशि में एक साथ बन रहा है, जो इस दिन को और भी शुभ बना रहा है। गुप्त नवरात्रि पूजा के दौरान न करें ये गलतियां, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो मैं अब आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने वाले व्यक्ति को चमड़े यानी कि लेदर से बनी किसी भी वस्तु का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दिन किसी पशु या जीव जंतु को न मारें और न ही उन्हें सताएं। साथ ही इस दौरान मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें, लहसुन प्याज वाला भोजन न खाएं। ऐसा करने से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचें और ना किसी अपशब्द न बोलें। घर में झगड़ा या कलेश करने से बचें। कहते हैं ऐसा करने से घर में बरकत नहीं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजा का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए भूलकर इस दौरान किसी कन्या का अपमान न करें, उसे मारे नहीं और न ही कोई कष्ट दें। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए 9 दिनों में ये सारे काम करने से बचें। गुप्त नवरात्रि के दौरान जहाँ तक संभव हो माँ दुर्गा की पूजा बिना किसी को बताए बंद कमरे में करें, ताकि पूजा करते समय कोई आपको न देखे। खुले स्थान पर पूजा करने से इसका बेहतर फल नहीं मिलता। गुप्त नवरात्रि में विधि पूर्वक पूजा करने से कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, खासकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। गुप्त नवरात्रि में विधि पूर्वक पूजा करने से कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, खासकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। 12 फरवरी प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री कलश स्थापना, 13 फरवरी द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए, 14 फरवरी तृतीया तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा, 15 फरवरी चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा और 16 फरवरी पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा करना शुभदायक है, 17 और 18 फरवरी षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी की पूजा, 19 फरवरी सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा, 20 फरवरी अष्टमी तिथि महागौरी दुर्गाष्टमी,
और 21 फरवरी नवमी तिथि माँ सिद्धि दात्री व्रत पारण। इस दिन नवरात्रि समाप्त होती है। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें। जय माता दी।